ओके, कोटक महिंद्रा बैंक उसकी स्ट्रेंथ को सलाम करते हुए असित, और बेहद शानदार चार्ट। और याद रखिएगा, अब आपको सितंबर के ऑप्शंस को हाथ नहीं लगाना है, बड़ा जोखिम भरा होगा। सस्ते तो होंगे लेकिन बड़ा जोखिम भरा होगा। अक्टूबर के ऑप्शंस को हाथ लगाना है, यहाँ पे 2080 की कॉल, 115 और 70 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। बात करते हैं मानस जायसवाल जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, कल जो आखिरी का एक घंटा था उसमें फार्मा में काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। सन फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली, और सन फार्मा ने तो चार्ट पे एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिया है। मैं समझता हूँ कि अब करंट लेवल्स पे आपको सन फार्मा में खरीदारी करनी है। 754 का स्टॉप लॉस रखना है और 815 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो सन फार्मा के 800 के कॉल ऑप्शन में, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 800 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए। 30 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और इस ऑप्शन के जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब 50 से 55 रुपए की रेंज में रहेंगे। अक्टूबर की आपकी 800 की कॉल, आपने कल क्लोजिंग में हमारे साथ इसकी 780 की सितंबर की कॉल ट्रेड की थी, और उसमें अगर आप देखें तुरंत पैसा दोगुना हो गया था। और अब उस ऑप्शन को अगर आप देखें हाथ नहीं लगाना है, अब आपको अक्टूबर पर फोकस करना है। करीब करीब 815 का लक्ष्य, कल 230 से लेकर 330 के बीच में फार्मा में सब्सटेंशियल, बहुत बड़े अनुपात में शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही थी। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में याद रखिएगा। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, देखिए मेरी नज़र तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ही है, और मैं HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम इसी को रिएट्रेट करूंगा। कल इसका बेसिकली मुझे ये काउंटर अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन अगर आप करते हो, दैट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन बनती है करीबन 280 के आसपास। तो कहीं ना कहीं लगता है अकॉर्डिंग टू पैटर्न ये कम से कम 310-315 ये रेंज में जाएगा। सो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रेडिंग बट एटलीस्ट फॉर टुडे। सो आप इसे बाय करें, सिप करें, थोड़ा थोड़ा ले, लेकिन ये चलेगा जरूर। सो HPCL इज अ बाय, स्टॉप लॉस जो है 280 है। सो प्रोबेबली ओपनिंग के बाद स्टॉप लॉस को हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन मेरा टारगेट सेट है, मुझे लगता है 310 प्लस का टारगेट लेके HPCL में काम हो सकता है। 280 का स्टॉप लॉस, 310 का टारगेट है यहाँ पर HPCL का, और स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई देती हुई कल 5% का देखिए स्ट्रॉन्ग था स्टॉक का। अब आगे बढ़ते हैं, रचना वैद्य जी से बात करते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग, और मेरा टॉप कन्विक्शन कॉल इस टाइम पे ऑरो फार्मा में रहेगा। फ्यूचर्स के हिसाब से अगर हम इसमें 720 का एसएल सस्टेन होता हुआ आप देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 740, और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में से निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। 2-3 कोशिश ऑलरेडी कर चुका है। आज की क्लोजिंग भी अगर 740 के आसपास अगर हुई तो मल्टीपल डेज पे ये 750 और 60 की तरफ भी जा सकता है। और अगर कोई इसमें ऑप्शंस के जरिए भी प्ले करना चाहेगा तो 740 का कॉल लिया जा सकता है, जिसपे 2 रुपीज पैसे लगा के ऊपर वाली साइड पे 8 और 10 के लेवल्स आज ही के दिन में देखने की उम्मीद कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दिस मूव वर्क्स आउट फ्रूटफुली। ओके, तो अरविंदो फार्मा पे दूसरा फार्मा स्टॉक आज सुबह सुबह अगर आप देखें जिसपे हमारे मेहमान बुलिश हैं, शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें यहाँ पे काफी देखने को मिली थी। 735-740 का टारगेट, 720 का स्टॉप लॉस। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग, ऐसा है कि 17,500-17,475 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये बढ़ता रहे तब तक मुझे लगता है ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, साइडवेज जोन है, एफएनयू एक्सपायरी है कल, तो शॉर्ट कवरिंग जो हमने देखा कल लास्ट आवर में शॉर्ट कवरिंग, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही लेकर जाएगा। इस बार थोड़ा एरोगेंट होना चाहिए और होना मेंटेन करना चाहिए, आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड। हमारी तरफ से ट्रेड मिला तो ठीक है, वरना ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। छुपने की जगह सिर्फ फार्मा में मुझे नजर आ रही है, इसलिए मैंने चुना है आज के लिए डॉक्टर रेड्डी। इस स्टॉक पे लगता है बहुत ही अच्छा बेस बना हुआ है और कल एक्सपेंशन शुरू हुआ। अगर ये एक्सपेंशन कंटिन्यू होता है तो पॉसिबल है कि 4,950 का जोन देखेंगे, वहां एक पॉसिबिलिटी है जाने की। स्टॉक होगा कितना, 4,800। अगर गैप डाउन खुलता है तो 4,800 के आसपास ही ले लीजिए, लेकिन ट्रेड आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड। एक दिन ट्रेड ना भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मा मुझे भी ठीक लग रहा है। आज मैंने ऑप्शंस के ट्रेड नहीं निकाले। चलिए, आपके सामने ये तीसरा एफएनओ का ट्रेड है फार्मा स्पेस में जो आता हुआ